ओम शांति। वाणी चल रही थी 3 अगस्त 1968 तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म अलौकिक है और किसी का भी ये अलौकिक जन्म नहीं हो सकता। लौकिक जन्म होता है इस लोक में, गर्भ से जन्म कहा जाता है। और मैं तो ज्ञान गर्भ में आता हूँ। जिस ज्ञान गर्भ में आता हूँ अर्थात जिसमें प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से, उसके द्वारा प्रत्यक्ष तब होता हूँ जब ज्ञान गर्भ परिपक्व स्टेज में आ जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है बाद में प्रत्यक्ष होता है, उससे भी पहले बच्चे का गर्भपिंड तैयार होता है। तो संक्षिप्त में ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव जयंती हुई, नहीं, सिर्फ ज्ञान का बीज आरोपण हुआ और उस बीज से गर्भपिंड तैयार हुआ। गर्भपिंड जैसे लौकिक में 4-5 महीने का जब हो जाता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है, ऐसे ही ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। उसमें 40 वर्ष जब पूरे होते हैं साठ वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था के बाद, तो 100 साल में ब्रह्मा परिपक्व स्टेज में माना जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खलास हो जाती और अमर लोक में वो ब्रह्मा की आत्मा और शिव की आत्मा मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। उसको भी जन्म लेना नहीं कहा जा सकता। बल बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया परंतु वो प्रत्यक्षता वर्ष सबके लिए लागू नहीं होता, क्योंकि आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। प्रत्यक्ष हुई आत्मा सिर्फ जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उसे ही प्रत्यक्ष है और मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष है, बाकी तो पता नहीं चलता। जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा आता है उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो माँ को पता चलता है, प्रैक्टिकल में और कोई को पता नहीं चलता। ऐसे ही 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए प्रत्यक्ष होने की बात है। वास्तव में प्रत्यक्षता तो तब कही जाए
जब सारी दुनिया माने कि बाप आ गया है, और वो प्रत्यक्षता तो तभी होती है जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। उसको कहते हैं मेरा अलौकिक जन्म। वो बाप सारे संसार में तभी प्रत्यक्ष होता है जब 500-700 करोड़ की बाहरी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधकार में आ जाती है, और बेसिक से निकले हुए एडवांस ज्ञान के बच्चे वो भी तामसी स्टेज में आ जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं। इससे जब सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है तब मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। इसलिए बोला कि विनाश की डेट भी वो ही होगी जब सब कोई विनाश से निश्चिंत हो जावेंगे, समझेंगे अब विनाश होने वाला है ही नहीं। ये अज्ञानता की अंतिम स्टेज है। तो मेरा प्रत्यक्षता रूपी अलौकिक जन्म है, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्ष होता हूँ, और मैं खुद इस साधारण तन में आता हूँ। कोई गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े साहूकार के तन में नहीं आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। तो तुम साधारण गरीब बच्चों को आकर मिलता हूँ, नहीं तो तुमको यह ज्ञान कौन सुनावेगा? मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार निवाज नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि लखपति करोड़पति हीरों के व्यापारी साहूकार में आता हूँ और बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, नहीं। ज्ञान तो उसे कहेंगे जिसे जानकारी मिले, मनुष्य सृष्टि के बाप की जानकारी मिले, आत्माओं के बाप की जानकारी मिले, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी मिले। तो मैं इस रथ पर आता हूँ, उन्होंने फिर बैल दे दिया है, उन्होंने माने किन्होंने? उन भक्तों ने। भक्तों ने समझ लिया है कि भगवान बैल पर सवार होकर आता है, नहीं, भगवान जानवर पर सवार होकर क्यों आवेगा? जानवरों को पढ़ाई पढ़ावेगा क्या? नहीं, मैं तो मनुष्य तन में आता हूँ, और मनुष्य तन में भी वो मनुष्य तन होना चाहिए जो पूरे 84 चक्र लगाता है, एक दिन भी कम नहीं। अनुभवी मनुष्य तन लेता हूँ, तो मैं मनुष्य तन में आता हूँ, और मनुष्य जो मनुष्य से देवता बनता है
वो फिर सारे संसार को कंट्रोल करता है। राक्षसी वृत्ति के मनुष्यों को भी कंट्रोल करता है और जानवरों को भी कंट्रोल करता है। इसलिए शिव के मंदिर में जो बैल दिखाते हैं वो बैल जानवर बुद्धि की यादगार है। ब्रह्मा के तन में आया परंतु ब्रह्मा ने समझा तो कुछ भी नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। अपने बाप कोई नहीं पहचाना तो फिर क्या पहचाना। इसलिए बैल जो दिखाया है वो बैल ब्रह्मा की यादगार है और जो लिंग दिखाया है वो मुकर्रर रथ की यादगार है। जो ऐसी याद में स्थिर होता है जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये इंद्रियों की ऐसी स्टेज जिसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज कहा जाता है। परंतु वो संपन्न स्टेज बनती तब है जब पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज होती है। पुरुषार्थ में हाई जंप लगाई जाती है। इसलिए मुरली में बोला भी है कि ऐसे जंप लगाकर बैल पर सवार होते होंगे। वास्तव में शंकर में शिव की प्रवेशता होती है और शंकर बैल पर सवारी करता है। परंतु सवारी तब ही कर सकता है जब संपन्न स्थिति हो। बाप कहते हैं कि ये तो बैल नहीं है, ये तो गऊ है। कौन? ब्रह्मा। गऊ जैसा स्वभाव संस्कार है। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करती है तो समझो कि ये मातृ पिता है। कौन? ब्रह्मा माता और प्रजापिता पिता। उस बाप के बच्चे तुम सभी ब्रदर्स हो, वर्षा ले रहे हो, परंतु देह में आने से प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। तो प्रजापिता है ना, सिर्फ ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। बड़ी माँ है तो बड़े से बड़ा बाप भी चाहिए। ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उन धर्म पिताओं को डबल ग्रेट नहीं कहेंगे। ग्रेट माने महान। वो सिर्फ महान धर्म पिताएं हैं परंतु उन सब धर्म पिताओं से ग्रेट ये प्रजापिता है। इसको कहते हैं आदिदेव। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। आदि वास्तव में संगम को ही कहा जाता है। ये सृष्टि का आदिकाल है। तुम भी अभी संगम पर बैठे हो। न तुम इधर कलयुगवासी हो और न तुम उधर सतयुगवासी हो। नई दुनिया का भी तुमको नहीं कहेंगे और पुरानी दुनिया का भी तुमको नहीं कहेंगे।
तो तुम बीच में हो, अभी तुम समझा सकते हो कि कृष्ण ने जन्म कब लिया था। पूछो, मालूम है कृष्ण ने कब जन्म लिया था? जरूर जन्म लिया होगा जबकि उनके पहले बाप आया होगा, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे को जन्म देने वाला तो बाप ही चाहिए, और कृष्ण साकार है तो साकार को जन्म देने वाला भी साकार ही चाहिए। इसलिए बोला कि मैं जो राजयोग सिखाता हूँ उस राजयोग से तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये ब्रह्मा तो नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं? नर से प्रिंस बनते हैं। पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे। तो जब प्रिंस बनेंगे तो इससे साबित होता है कि जरूर इनका बाप विश्व का मालिक होना चाहिए, तब तो जन्म लिया है। इसलिए बोला कि शिव बाप आते ही हैं संगम युग पर, जब आते हैं तो कोई नर है जिसको नारायण बनाते हैं, तो बोलो ये कृष्ण प्रिंस कैसे बना? जरूर पहले साहब ज्यादा बना होगा, ज्यादा बच्चे को कहा जाता है, साहब बाप को कहा जाता है। तो कृष्ण का बाप चाहिए, नई दुनिया में दैवी शहजादे और शहजादियां होते हैं। तो ये समझाना कितना सहज है। बाप भी कहते हैं तुम भी अपना ताकत अनुसार समझाते हो, और वो समझने वाले भी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार समझते हैं। समझने वाले कोटों में कोई है, बाकी न समझने वाले या लास्ट में समझने वाले वो प्रजा बनना तो बहुत सहज है। तो अभी तुम पुरुषार्थ करो, साहबजादे बनना हो तो पहले शाहजादे बनने का पुरुषार्थ करो। कहते भी हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि जितने भी वंश हैं मनुष्य सृष्टि में उनमें सूर्यवंश सबसे पहला है। क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं, सूर्य से फिर सभी ग्रह उपग्रहों को ज्ञान मिलता है। तो बाप कहते हैं बन करके दिखाओ, ऐसा सूर्यवंशी बनेंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े और चलन भी ऐसी चाहिए। चलन में फिर रात दिन का फर्क हो जाता है। ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे सूर्य की तरह ज्ञान की रोशनी देने वाले होंगे। चंद्रमा तो अंधेरे में उगता है। अच्छा, वास्तव में बच्चों के लिए एक ही अमृत डोज बस है। डोज के पिछाड़ी डोज ये ज्ञान का डोज पिलाया जाता है। इसका नशा कितना होना चाहिए और अंदर में सच्चाई सफाई होनी चाहिए,
अगर सच्चाई सफाई नहीं होगी तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाप कहते हैं जो भी पाप कर्म करते हो वो छोड़ते रहो, जो अंदर में दिल को खाता हो वो बाप के सामने बताते रहो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु उनमें अपना ममत्व मत रखो। तुम्हें मालूम है कि अभी हमें घर जाना है तो घर को ही याद करो, घर में जाना है फिर स्वर्ग में जाना है। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ आकर के बैठा हुआ हूँ, तुमको शहजादे शहजादियां बनाकर मैं घर चला जाऊंगा। तो समझ लो कि मेरा तो पार्ट ही अलग है, तुम आत्माओं का पार्ट अलग है। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं और तुम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हो। जो चक्कर में आवे और जो चक्कर में ना आवे, चक्कर में आवे तो माला में भी आवे, चक्कर में ना आवे तो माला में कैसे आवेगा। हाँ, मुझे फूल के रूप में दिखाते हैं, कोई मणके के रूप में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मैं जब इस दुनिया में आता हूं तो फूल की तरह हल्का होकर के पार्ट बजाता हूं। ब्रह्मा के तन में आता हूं तो भी हल्की फुल्की आत्मा बनकर प्रवेश करता हूं, नहीं तो मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती है तो मनुष्य कितने भारी हो जाते हैं। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो गुलजार दादी हल्की रहती है या भारी हो जाती है, कितनी भारी हो जाती है। तो मैं तो सदैव हल्का फुल्का फूल हूं, मेरे ऊपर कोई जन्म का पापों का बोझा नहीं है। और हर 5-4 वर्ष बाद आकर तुम बच्चों को समझाता हूं। आसुरी संप्रदाय ने फिर देखो क्या क्या गपोड़े लगाए दिए, ये भी ड्रामा है, उनका दोष नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री देखो कितनी ढेर है, जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, झाड़ कितना बड़ा होता है और बीज कितना छोटा होता है। मैं कितना छोटे झाड़ का फाउंडेशन लगाता हूं, तो देखो ज्ञान का पसारा कुछ भी नहीं है और भक्ति का पसारा देखो कितना है, भक्ति का कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। ज्ञान तो सारा सेकंड में बुद्धि में आता है। अभी बाप कहते हैं मैं खुद आया हुआ हूं और इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही आता हूं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। पाप मिटाने वाला एक ही बाप है जिसे पतित पावन कहा जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला। पतित शब्द पहले क्यों आता है, पावन बड़ा या पतित बड़ा है? पावन बड़ा, तो बड़ा पहले होना चाहिए या छोटा पहले होना चाहिए है? बड़ा पहले होना चाहिए, पावन शब्द पहले होना चाहिए, फिर पतित को आगे क्यों रख दिया?
है, क्योंकि मैं जिसमें आता हूँ मुकर्रर रूप से वही पुरुषार्थ करके पहले पतित से पावन बनता है। मेरे पतित और मेरे पावन बनने की तो बात है ही नहीं, और जो बनता है उसी का संसार में फिर गायन होता है। पतित पावन किसका नाम? सीताराम। सिर्फ इस जन्म का विचार नहीं करो, जन्म जन्मांतर का बोझा तुम्हारे सिर पर है। उस जन्म जन्मांतर के बोझे को सर पर उतारने के लिए पुरुषार्थ करो। अच्छा, पति पवित्र नहीं रहने देता है, तुमको छुट्टी नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, घर में बैठे मुरलियां पढ़ो, बाप को याद करो, घर बैठे भी तो जन्म जन्मांतर का पाप तुम भस्म कर सकते हो। समझ तो तुमको मिली है कि जन्म जन्मांतर का बोझा हम कैसे उतारे। अब सिवाय आज की यात्रा के वो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा तो भस्म हो नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। एक ही मंत्र काफी है, बाप को याद करना और सुदर्शन चक्रधारी बनना। इस समय संगम युग के समय, और उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग के समय, तो पाप करने से बहुत डरना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है, सारी की कमाई चट्ट हो जाती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी साहब और साहबजादों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की वाणी है 4 अगस्त 1968। शिव भगवान वाच, बच्चों को समझाया है ऊंचे से ऊंचे है भगवान, ऊंचे से ऊंचे की बात कहाँ आती है? इस दुनिया में आती है या परमधाम में आती है? परमधाम में तो ऊंचे और नीचे का सवाल होता ही नहीं। इस दुनिया में ऊंचे से ऊंच और नीचे से नीच कर्म करने वाले होते हैं। उन कर्म करने वालों में भगवान की गिनती है या नहीं है? वो करता है या अकर्ता है? वो तो कोई कर्म करता ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान सुनाता है कि नहीं सुनाता है? हैं? तो ज्ञान सुनाना ये कर्म नहीं है? हैं? ये भी तो कर्म है, ज्ञान भी सुनाता है, तुम बच्चों के संसर्ग संपर्क में भी आता है, संबंध में भी आता है, भगवान से संबंध नहीं जोड़ते क्या? जोड़ते हैं ना, तो संबंध में आने के लिए कर्म में भी तो आना पड़े ना, तो भगवान कर्म करता नहीं है क्या? है? वास्तव में भगवान कहा जाता है जो सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। क्या? जिससे ज्यादा भाग्यवान हो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और शिव सुप्रीम सोल, उसको भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कहे हैं? नहीं कह सकते, वो तो ना भाग्यशाली बनता है और ना
दुर्भाग्यशाली बनते हैं। तो कौन बनता है सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और सबसे ज्यादा भाग्यशाली? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही तनधारी इस दुनिया का प्रवेश होने से पहले सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली और प्रवेश होने के बाद पुरुषार्थ संपूर्ण होने पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। उसके द्वारा ही परमपिता परमात्मा से भी संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बोला कि वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान, उनका नाम शिव क्यों पड़ता है? शिव माने क्या? कल्याणकारी। तो बिंदी रूप में क्या फुदक फुदक के कल्याण करता है? हैं? नहीं करता। वो बिंदु जिस स्वरूप में प्रवेश करता है वो स्वरूपधारी जब बिंदु रूप बन जाता है, निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, शिव समान स्टेज को धारण करता है, जिसके कारण भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है, इसलिए उनका नाम शिव कहा जाता है, कल्याणकारी। नहीं तो परमधाम में कल्याण की कोई बात होती नहीं। जो भी कार्य करता है, जो भी इंद्रियों से कार्य करता है, कल्याणकारी ही पाठ साबित होता है। तो ये बात बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, सिवाय बच्चों के बाप को तो कोई जान भी नहीं सकता। जानवर तो जानेंगे नहीं, बैल जानता है? है? बैल तो बाप को नहीं जानता, इसलिए जानवर दिखाया गया है। कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी तो बात ही नहीं। हाँ, मनुष्य जो है वो मन बुद्धि वाला प्राणी होता है, इसलिए वो भगवान बाप को पहचान सकता है। तो मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जिसे मनुष्य शक्ति का प्रजापिता कहा जाता है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ और उसके द्वारा तुम बच्चे मुझे बाप को पहचानते हो। बच्चों को ये भी समझाना है कि बरोबर अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। क्यों बरोबर शब्द क्यों? इसलिए है कि यही एक टाइम ऐसा है जबकि दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनके अपने अपने पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें कौन कौन सबसे उत्तम है ये भी जानकारी इस समय होती है। जैसे बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। ये तुम्हारी तपस्या है क्या? वो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उल्टे लटक जाते हैं, एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसी कोई तुम्हारी तपस्या शरीर की तपस्या नहीं है। क्या तपस्या है? देह को भूल जाओ और अपन को आत्मा समझो, यही तुम्हारी तपस्या है। वैसे ये भी निश्चय रखो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। अभी हम कलयुग में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हम संगम युग में बैठे हैं। संगम युग के बाद जरूर सतयुग आना है। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ संगम पर, जबकि दुनिया चेंज करनी होती है, नई दुनिया स्थापन करके फिर पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। पहले अक्षर स्थापना का कहना है क्या? ऐसे नहीं कि पहले विनाश होगा फिर नई दुनिया स्थापन होगी, नहीं, पहले नई दुनिया की स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश। स्थापना के पहले विनाश नहीं कहना है,
है, अभी स्थापना कहे या विनाश कहे, क्या कहे? स्थापना हुई है, हो रही है, और विनाश, विनाश हुआ, हो रहा है, ऐसे तो विनाश होता ही चला आया 2500 साल से, 2500 साल से भी तो ऐसा ही विनाश होता चला आया, अंतिम महाविनाश कहे नहीं कह सकते, तो अंतिम स्थापना कहे स्थापना भी नहीं कह सकते। तो बताया, पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता। अगर पहले कहे ब्राह्मण धर्म की स्थापना, तो ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना अगर पहले होती है ब्रह्मा द्वारा, तो विनाश भी किसका होगा? ब्राह्मणों का ही विनाश होगा। तो ब्राह्मणों की स्थापना और विनाश कहे या न कहे, कहे ब्राह्मणों की स्थापना हुई नहीं हुई? ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है, 9 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, उनकी स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में हुई या नहीं हुई? हो रही है, अभी हुई नहीं, अभी नास्तिक ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों में नास्तिक भी है, ब्राह्मणों में दल बदलू नहीं है, आर्य समाजियों की तरह दल बदलू भी है, ब्राह्मणों में लोभी नहीं है, लोभी भी है, मारकाट मचाने वाले, सब तरह के ब्राह्मण जो 9 कुरियां गाई हुई है वो ब्राह्मणों में मौजूद है। तो कहेंगे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई कब तक? किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। तो जो स्थापना हो गई तो विनाश भी शुरू हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? है? हुआ होगा। कब से? कहेंगे कि जो फर्स्ट ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है, आदि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, तो स्थापना के बाद फिर आसुरी जो ब्राह्मण है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे, उन ब्राह्मणों का विनाश भी शुरू होता है, जिसके लिए मुरलियों में घोषणा की गई थी, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होने हो जाएगी। कौन से सन के लिए घोषणा थी? 76 के लिए घोषणा थी। तो 76 में ब्राह्मणों की 9 कुरियों की स्थापना हुई और विनाश भी शुरू हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो गया। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि विनाश संपन्न हो गया। तो अक्षर हमेशा करेक्ट बताने चाहिए। बाप ने समझाया है, 3 मतें हैं, है? कौन कौन सी 3 मतें याद है किसी को? हाँ, मनुष्य मत है, दैवी मत, मनुष्यों की मत आसुरी मत होती है, ईश्वरीय मत, जो असली हमें धारण करनी है वो तो भूल ही गए, ईश्वरीय मत, दैवी मत और आसुरी मत कहो, मनुष्य मत कहो। तो मनुष्य का मत को मानव मत कहते हैं। कोई अपनी नई संस्था स्थापन कर देते हैं तो कहेंगे मानव मत की स्थापना हुई। क्या यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कि ईश्वरीय मत भी चल रही है, और साथ साथ में जो ईश्वरीय मत लेने वाले हैं उनमें से ऐसे ग्रुप भी निकल रहे हैं जो अपनी अपनी मत से अपना अलग संगठन स्थापन कर देते हैं।
उनको ये पता नहीं है कि मानव और मनुष्य मत एक ही है। मानव मत की संस्थाएं होती हैं, तो अभी स्थापन हो रही है। मनुष्यों को तो सभी को मनुष्य ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो मन के अनुसार चलता है या बुद्धि के अनुसार चलता है? मनुष्य की होगी मनमत, और जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है उसकी मत बुद्धिमत्ता पूर्ण होगी। मनुष्य मत को कहा जाता है आसुरी मत, क्यों? क्योंकि रावण राज्य है और ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। रावण मत को ही कहा जाता है भ्रष्ट मत, क्योंकि मनुष्य जितने भी होते हैं सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, विकार से पैदा होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण को भ्रष्टाचार कहा जाता है। वहां नई दुनिया में होगी दैवी मत, निर्विकारी मत, उनको श्रेष्ठ मत कहेंगे, इनको भ्रष्ट मत कहेंगे। तो ये अक्षर अच्छी रीति याद करने हैं। ये बातें तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि ये है ईश्वरीय मत और वो है मानव मत अथवा आसुरी मत। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है तो इसको रुद्र मत भी कह सकते हैं, है? रुद्र मत कह सकते हैं, रुद्र मत कहें या शिव मत कहें? शिव मत क्यों नहीं है? शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? नारायण ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि जब से स्थापना हुई तो स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, इसलिए इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव मत कह सकते हो, परंतु शिव तो बिंदी का नाम है। क्या रुद्र साकार का नाम है या बिंदी का नाम है? रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले का नाम है और शिव बिंदी का नाम है। मेरी आत्मा का नाम शिव है और कोई नहीं है ऐसा जिसकी आत्मा का नाम हो। सबके शरीरों पर नाम पड़ते हैं और मेरा नाम आत्मा के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही ऐसी आत्मा हूं जो शरीरों में प्रवेश भल करता हूं, परंतु फिर भी आत्म की स्थिति में ही रहता हूं, कभी भी देह भान में नहीं आता हूं। तुम कहते हो हे भगवान वाच, तो भगवान को जानना चाहिए ना। बाप आत्माओं को अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवाय आत्माओं को अपना परिचय कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मुझे कोई भी मनुष्य नहीं जानते।
63 जन्मों में भगवान को जानने का ढोंग भले करते रहे हो, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानते। तो तुम ही अभी ईश्वरीय संप्रदाय हो, तो जरूर बाप को जानते होंगे। तुम्हारी दैवी मत अभी बन रही है, ईश्वरीय मत और दैवी मत दोनों से बड़ी मत कौन सी है, ये तो समझते हो। सतयुग में होगी देवता मत, यहाँ कलयुग में है मानव मत। अभी मनुष्य मत को दैवी मत किसने बनाया, कहेंगे बाप ने। उस बाप को ही भगवान कहा जाता है। शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, देवताओं की है श्रेष्ठ मत, फिर मनुष्यों की है भ्रष्ट मत। क्यों है, क्यों भ्रष्ट मत है, क्योंकि मनुष्यों का जो मन है वो चंचल है या स्थिर है, चंचल मन है, इसलिए उनकी भ्रष्ट मत है। वो शेष्टाचारी निर्विकारी नहीं कहेंगे, ये निर्विकारी श्रेष्ठ मत निराकारी किसने दी, बाप ईश्वर ने दी। तो तुम तीन मतों के ऊपर भी समझा सकते हो। यहां इस दुनिया में तो सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं, न कोई देवता है और न कोई भगवान है। कोई हो तो छाती ठोक करके आवे बतावे कि मैं भगवान हूं, कोई कहेगा कि मैं भगवान हूं है? अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं तो बाप कहेंगे तुम भगवान नहीं है, कौन हो, हिरण्यकश्यप हो। कलयुग में होते हैं मनुष्य, मनुष्यों की मत आसुरी मत होती है, लड़ना झगड़ना उनको आसुरी मत कहा जाता है। ईश्वरीय मत को तो कोई जानते ही नहीं है, बाप को भूलने से आसुरी मत हो जाती है। क्या क्या समझे कि अगर ब्राह्मण भी घर में लड़ते झगड़ते हैं तो कौन सी मत के हो गए, आसुरी मत के हो गए। ये बात सदैव याद रखना चाहिए, अपन से पूछना चाहिए घड़ी घड़ी, हम आसुरी मत के हैं, रावण मत पर हैं या ईश्वरी मत पर हैं। जब तक फाइनल दैवी मत हो जाए तब तक कहेंगे मिक्सचर है। क्या क्या है, मिक्सचर है, ईश्वरीय मत का नहीं कहेंगे। तो अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, लड़ते झगड़ते तो नहीं है, मेरे में क्रोध का भूत तो नहीं आता है। अगर क्रोध है तो मनुष्य आसुरी मत का हो गया, ईश्वरीय मत नहीं ठहरे। फिर वह दैवी मत जल्दी बन नहीं सकते। कौन कौन नहीं बन सकते जल्दी दैवी मत, जिनको जिनको क्रोध आता है। अगर अब तक भी क्रोध आता है तो समझें कि हम जल्दी दैवी मत बनने वाले बन नहीं सकते, क्योंकि उस समय भूत की प्रवेशता हो जाती है। किस समय, जिस समय क्रोध आता है। देवान है अव्वल नंबर भूत,
देह अभिमान होने से ही काम क्रोध लोभ मोह आदि भूत प्रवेश करते हैं। ये है भूतों की दुनिया, आसुरी दुनिया है, और सभी में पांच भूतों की प्रवेशता है। क्या कोई अगर बैठा हो ऐसा कि मेरे में पांच भूतों की प्रवेशता नहीं है तो हाथ उठाए। है कोई हाथ उठाएगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा, सब सच्चे बैठे हुए। किसी मनुष्य की पूजा करना गोया पांच भूतों की पूजा करना। क्या कहा? कोई मनुष्य की अगर पूजा की तो किसकी पूजा की? पांच भूतों की पूजा करना। गुरुओं की भी पूजा करते हैं ना, इसको कहेंगे भूत पूजा। वहां ये भूत पूजा होती नहीं है। कहां है? सतयुग में। क्यों? देवताओं के बच्चे अपने माँ बाप देवताओं के लंगोट अंगोट साफ नहीं करते होंगे, हैं? कपड़े नहीं साफ करेंगे? करते हैं, हैं? वहाँ ये भूत पूजा नहीं होती। बाप भी ये भूत पूजा करने के लिए मना करते हैं। अपने कपड़े अपने आप धोना चाहिए। तुम ब्राह्मण कुलवंशी हो फिर देवता जन्म में आते हो। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है। सर्वोत्तम कुल? ब्राह्मणों की नौकरियां नहीं है? हैं? तो सर्वोत्तम कुल कैसे हुआ? माना असली ब्राह्मण वही है जो नौकरियों में सबसे उत्तम कहा जाता है। जबकि तुमको नॉलेज मिलती है। क्या? तुम्हारे अंदर से ज्ञान उगरने लगता है, मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लग जाती है, नई नई बातें बुद्धि से निकलने लगती है। अभी तुम समझते हो देवताओं में दैवी गुण होते हैं। अगर तुम यहाँ दैवी गुण न धारण करेंगे तो फिर क्या होगा? है? अगर तुम यहाँ स्वेच्छा से देवताई गुण धारण नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? सजा खा करके फिर देवता बनना पड़ेगा। और जो सजा खा करके देवता बनेंगे वो अधूरे देवता बनेंगे या संपूर्ण देवता बनेंगे? अधूरे देवता। फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए गाय ने कोटों में को आसुरी गुण होंगे, क्रोध होगा, देह अभिमान होगा तो कहेंगे ऊंच पद नहीं पा रही है। देवताओं में तो ये भूत होते ही नहीं है। कोई क्रोध करते हैं तो समझ लेना चाहिए इनमें भूत की प्रवेशता है। हाँ? जंजीर अंजीर से बांधना चाहिए कि नहीं? हाँ? भूत की प्रवेशता समझ लिया तो जंजीर से बांधे या नहीं बांधे? हाँ? जंजीर से नहीं बांधना, दूर भाग जाना चाहिए। जिसमें भूत की प्रवेशता हो उसका साथ संग नहीं करना है। ये भूत सभी मनुष्यों को पकड़ते हैं। अपन को देखना है हम लड़ते झगड़ते तो नहीं है, अथवा मनुष्यों की मिसल हमारी चलन तो नहीं है। क्योंकि अभी तुम बच्चों को दैवी चलन वाला बनना है। अगर गंदगी निकलती है तो समझो भूत। भूतों से तो झट किनारा करना कर देना चाहिए। कोई ईविल बातें सुनाता है तो क्या करें? हियर नो ईविल, सी नो ईविल। देह अभिमान के कारण ईविल छीछी गंदगी बातें आती हैं।
ऐसे फिर बहुत सजाएं खावेंगे। समझो कोई प्रेसिडेंट का बच्चा है और कोई ऐसा गंदा काम करके मजिस्ट्रेट के आगे जाना पड़े, अदालत में पेश होना पड़े, तो प्रेसिडेंट की कितनी इज्जत जावेगी। चार 468 की वाणी का दूसरा पेज। माँ बाप बेचारे शर्मसार हो जावेंगे, ये क्या हुआ। विलायत की तरफ भी बड़े बड़े आदमी छी छी काम तरफ जाते हैं तो उनका नाम बदनाम हो जाता है, तुम्हारा भी नाम बहुत बदनाम होता है। अगर ईश्वर का बनकर फिर भूत की प्रवेशता होती है तो कहेंगे नाम बदनाम हुआ। कहते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही होकर के रहेंगे, आप ही आकर के हमको ऐसा वर्षा देंगे। बाप तो जरूर सर की स्थापना करते हैं, वहां देहधारी की याद तो आती नहीं है, अभी तो तुम संगम युग पर हो, माना वहां देहधारी की याद नहीं आती क्योंकि सब आत्माभिमानी होते हैं और अभी संगम पर देह अभिमानी भी होते हैं और आत्माभिमानी भी होते हैं, दोनों का संगम है। अभी बुरे बुरे संकल्प भी आते हैं और ज्ञानयुक्त अच्छे संकल्प भी आते हैं, तो कहेंगे तुम संगम पर हो। जो कामी मनुष्य होते हैं उनको सारा दिन विकार का ही संकल्प आता होगा, रात अथवा दिन को भी गटर में बुद्धि गिरती रहती है, वही ख्यालात सारा दिन उनके चलते होंगे, स्वप्न में भी वही ख्यालात। बाप बैठ समझाते हैं माया बड़ी तीखी है, सबसे नंबर वन है ये काम का संकल्प, और बहुतों को आता है, इसके कारण ही दुनिया में झगड़ा चलता है। अखबार वाले बेचारे इन बातों को क्या जाने, क्योंकि उन अखबार वालों की तो है मनुष्य मत, ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं, अरे ये तो अच्छी बात हुई ना, सब मनुष्यों में भाईचारा हो जावेगा ना, भाईचारा हो जावेगा तो क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करेंगे ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी दोनों भाई बहन हो गए तो ब्रह्मा के बच्चे हो गए, नई सृष्टि की शुरुआत हो गई। उनको फिर विकार में जाना, इसको तो कहेंगे इंसल्ट। कई ऐसी ब्राह्मणियां हैं कुमारियां हैं जो सेंटर पर रहती हैं, वो भी कब कब इन विकारों के सपाटे में आ जाती हैं। माया ऐसा जोर से ठूंसा मारती है जो एकदम विकारों में गिर पड़ती है। फिर बताओ बाप भी क्या करे, लोग बाप भी देखते हैं हमारा बच्चा गंदा बन पड़ा तो बाप माँ बेचारे अंदर ही अंदर घुटका खाते रहते हैं। यहां भी ऐसे है, इस दादा को भी घुटका खाना पड़ता है, समझते हैं ये बच्चे तो नाम बदनाम कर देंगे। ओम शांति।